दोस्तों, क्या आपके पास भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का एटीएम कार्ड है और आप उस एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हो, उसका पिन जनरेट करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, कैसे पिन जनरेट करते हैं, तो आज के स्टूडियो को कंप्लीट देख लेना। आज के स्टूडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की जो एटीएम कार्ड होती है उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे उसका पिन जनरेट करते हैं, सब चीज़ स्टूडियो में आपको बताने वाला। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालनी है, इंसर्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको लैंग्वेज पूछेगा, भाषा पूछेगा कि आप कौन से भाषा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से भाषा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो भाषा मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद आपके सामने फिर दो नए ऑप्शन खुल करके आएंगे, ठीक है। आपको मेरा पहला मिलेगा जनरेट एनओ पिन, ठीक है, जनरेट एनओ पिन। दूसरा मिलेगा यूज़ करंट पिन। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, जनरेट एनओ पिन पर, ऊपर वाले पे जनरेट एनओ पिन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट नंबर। तो आपको अपने अकाउंट नंबर के लास्ट 6 अंक को टाइप करनी है, लास्ट 6 अंकों को यहाँ पर डाल देनी, ठीक है। चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर के लास्ट 6 अंक को टाइप करता हूँ, आपको भी यहाँ पर टाइप कर देनी है। अकाउंट नंबर के 6 अंक को टाइप करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करनी है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो आपके अकाउंट से लिंक रहेगा मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर डालना है। तो इसके पहले आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ओटीपी को डालनी है, ठीक है। जो भी वहाँ पर कोड गया है उसको आपको टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आपको फिर से कन्फर्म करनी है। कन्फर्म पर मैं क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं 4 अंक का, उसे आपको टाइप करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, इस तरह से मैं टाइप किया। इसके बाद फिर से आपको एक बार टाइप करनी है, और ध्यान रखिए 4 अंक का ही आपका कोड बनेगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोसेस में चला जाएगा, और कुछ ही सेकेंड में आपका पिन जनरेट हो जाएगा, आपके एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और फाइनली लिख करके आ जाएगा थैंक यू फॉर जनरेटिंग पिन। यहाँ पर लिख करके आ चुका है, देख सकते हैं, मतलब अब आपका काम खत्म, आपका एटीएम एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की जो एटीएम कार्ड होती है उसे एक्टिवेट कर सकते हो, उसका पिन जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पर चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।